और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं शिमला, जहां मस्जिद विवाद को लेकर बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में सड़क पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। तो पुलिस ने जो है यहां पे सचिन वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा आवाज बढ़ा दीजिए, सचिन की आवाज आ रही है। पुलिस ने इन्हें रोकने के यहाँ पर बंद कर रखे है, आप देख सकते हैं लगातार इन बैरिकेड को तोड़ने लगातार इन बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश जो है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो तनाव जो है अब शिमला में बढ़ गया है, क्योंकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये कोशिश जो है की जा रही है कि इन बैरिकेड को तोड़ा जाए, इन बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ा जाए। हालांकि पुलिस के भी उतने ही पुख्ता प्रबंध हैं, आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी उतना ही जोर लगा रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। ये विवाद जो है दरअसल शुरू हुआ दो लोगों में झगड़े के साथ, एक हिंदू और एक जो है अल्पसंख्यक समुदाय के। ये विवाद बढ़ता बढ़ता शिमला में इस मस्जिद तक पहुंच गया और अब मस्जिद, क्योंकि मस्जिद का जो विवाद है मामला है वो कोर्ट में है, तो अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस मस्जिद को जो ये आरोप लगा रहे हैं कि अवैध है, उसको जो है डेमोलिश किया जाए। हालांकि मामला रेवेन्यू कोर्ट में है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की अदालत जो है उनके पास रेवेन्यू कोर्ट में ये मामला है और लगातार इसमें सुनवाई जो है 2010 से ये मामला जो है कोर्ट में था और अभी सुनवाई जो है शनिवार को इसके ऊपर हुई है। 5 अक्टूबर जो है अगली तारीख दी गई है, पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो है वो मान नहीं रहे हैं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं मांग कर रहे हैं कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए। मामला न्यायालय में है, मामला अदालत में है, तो सरकार का तर्क है कि मामला जब तक जो है अदालत की तरफ से सेटल नहीं होता तब तक जो है इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मामला जो है कोर्ट में है, पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की आज जो है संजौली चलो की कॉल थी और पुलिस ने पूरे के पूरे एरिया को जो है सील कर रखा है। संजौली के चारों तरफ जो है अनकस्टडी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, हिमाचल पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर रखे हैं और संजौली की तरफ जो है पूरी की पूरी मूवमेंट जो है व्हीकल्स की जो है वो अब बंद कर दी गई है और अब कार्यकर्ता हिंदू संगठनों के पुलिस से उलझ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं, ये ढली टनल की तस्वीर है। ढली टनल जो शिमला शहर को, दरअसल शिमला का जो ऊपरी हिस्सा है, कुफरी ठियोग और ऊपरी किन्नौर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उससे कनेक्ट करती है ये ढली टनल जो है। इस ढली टनल पे पुलिस ने जो है तमाम प्रबंध कर रखे हैं इन कार्यकर्ताओं को रोकने के। तो बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये कार्यकर्ता जो हैं कोशिश कर रहे हैं इन बैरिकेड्स को तोड़ने की, उलझ रहे हैं पुलिस से, पर पुलिस की भी उतना ही पुख्ता तैयारी है, पुलिस के प्रबंध भी उतने ही पुख्ता हैं इन कार्यकर्ताओं को रोकने के। तो फिलहाल तनाव जो है, बवाल जो है शिमला में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को तोड़ने में कामयाब हो गए, पूरी ताकत जो है इन कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई जा रही है और बैरिकेड जो है लगभग तोड़ दिया गया है इन कार्यकर्ताओं द्वारा और पाइप जो है ये आप देख सकते हैं, इस पाइप के सहारे इन बैरिकेड्स को जो है यहाँ रखा गया था, इन बैरिकेड्स को रोका गया था, इस पाइप के सहारे इन बैरिकेड्स को रोका गया था। ये पाइप जो है अब इन कार्यकर्ताओं द्वारा निकाल दी गई है और इस पाइप को निकालने के बाद अब ये कार्यकर्ता जो है इन बैरिकेड्स को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आप तस्वीरें जो हैं ढली टनल की देख रहे हैं, ये नई टनल बनी है। दरअसल ढली में पहले एक टनल होती थी जो दूसरी तरफ है, जिसको पूरी तरह से बंद कर रखा है, उस पर वेल्डिंग करके जो है बड़े बड़े बैरिकेड जो हैं लगाए गए हैं ताकि उनको तोड़ा ना जा सके, पर ये टनल जो है इसको खुला रखा गया था सुबह तक व्हीकलर मूवमेंट के लिए, यातायात के लिए, और अब इस पे नए बड़े बड़े ये बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस बल से जो है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उलझ रहे हैं। ये आप तस्वीरें जो हैं यहाँ देख सकते हैं, ये कार्यकर्ता यहाँ पे उलझ रहे हैं पुलिस से और इस ढली टनल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि
इन कार्यकर्ताओं को रोका जाए। इससे आगे भी पुख्ता प्रबंध जो है पुलिस ने कर रखे हैं, इससे आगे भी पुलिस ने तमाम प्रबंध कर रखे हैं ताकि कोई मस्जिद की तरफ ना पहुंच पाए। तो ये शिमला में बवाल जो है मस्जिद के नाम पे ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिमला में ये सारा विवाद जो है जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, कुछ दिन पहले जब झगड़ा जो है दो शख्सों के बीच हुआ था और क्योंकि उन दोनों शख्सों का समुदाय अलग अलग था इसलिए ये लड़ाई जो है मस्जिद तक पहुंच गई, क्योंकि मस्जिद का मसला जो है ऑलरेडी अदालत में था, कोर्ट में था। और अब ये कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं हिंदू संगठनों के कि मस्जिद डेमोलिश की जाए, मस्जिद को डेमोलिश करने की मांग जो है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं सारे के सारे बैरिकेड जो हैं वो हटा दिए गए हैं इन कार्यकर्ताओं द्वारा और आगे ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं संजौली की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बवाल जो है शिमला में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मस्जिद के नाम पे जो है मस्जिद को जो है डेमोलिश करने की मांग ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। और अब ढली टनल पे जितना भी प्रबंध था पुलिस का उसको जो है इन कार्यकर्ताओं ने धत्ता बताते हुए आगे ये लोग बढ़ गए हैं। तो फिलहाल शिमला में जो है तनाव जो है वो नज़र आ रहा है, शिमला में तनाव है क्योंकि मस्जिद की तरफ जो है संजौली की तरफ जो है ये लोग जो हैं कूच कर चुके हैं। अब देखना ये है कि पुलिस जो है इन कार्यकर्ताओं को कितना रोक पाएगी, इन कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस जो है संजौली मस्जिद की तरफ जाने से रोक पाएगी या नहीं। पर फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को क्रॉस कर रहे हैं, जो तमाम प्रबंध जो हैं पुलिस ने कर रखे हैं इन लोगों को रोकने के लिए। तो पुलिस के तमाम इंतजाम, हालांकि यहाँ पुलिस की तरफ से कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई बल प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, सिर्फ बैरिकेड्स जो हैं उनके जरिए ही इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे जो हैं ये कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को क्रॉस करते हुए आगे निकल रहे हैं। तो शिमला में तनाव है, बवाल जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ता हिंदू संगठनों के जो हैं अब जो हैं संजौली की तरफ कूच कर चुके हैं। ये शिमला प्रशासन के लिए, हिमाचल सरकार के लिए ये एक टेस्टिंग टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है। इस कानून व्यवस्था को कायम रखना, इस माहौल में जो है कानून व्यवस्था कायम रखना और संप्रदायों के बीच में जो है वो जो मनमुटाव ना पैदा हो उसको जो है इंश्योर करना, ये हिमाचल सरकार के लिए बड़ा अब चैलेंज जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ ये बवाल जो है अब यहाँ तक पहुँच गया है कि सैकड़ों कार्यकर्ता हिंदू संगठनों के जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, संजौली की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस की तमाम कोशिशें इनको रोकने की जो हैं वो नाकामयाब रही हैं। यहाँ ढली टनल पे इन लोगों को रोकने की कोशिश जो है वो नाकामयाब रही है पुलिस की। अब संजौली की तरफ जो है ये कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आगे भी तमाम प्रबंध कर रखे हैं, संजौली चौक पे प्रबंध हैं, उससे पहले जो हैं प्रबंध हैं। पर सवाल यही है कि क्या पुलिस जो है इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक पाएगी या नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो मस्जिद की तरफ जाना चाहते हैं और अगर मस्जिद की तरफ ये कार्यकर्ता बढ़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, बहुत बड़ा इशू जो है वो बन जाएगा। और फिलहाल कार्यकर्ता आप देख सकते हैं सामने सड़क पे जो है कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो अब टेस्टिंग टाइम है सरकार के लिए कि कैसे जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकेंगे, कैसे इनको जो है मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोकेंगे। तो फिलहाल तमाम जो इंतज़ाम थे प्रशासन के, शिमला पुलिस के, वो जो हैं वो उनको धत्ता बताते हुए कार्यकर्ता जो हैं
आगे बढ़ गए हैं। पुलिस आप देख सकते हैं, पुलिस एक तरफ से एक तरह से मूक दर्शक जो है नज़र आ रही है, क्योंकि संख्या ज़्यादा जो है हो गई है प्रोटेस्टर्स की। और पुलिस ने अभी बल प्रयोग भी नहीं किया है, पुलिस ने सिर्फ जो बैरिकेड्स जो हैं उनको लगा के ही रोकने की कोशिश की है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि अब जब मस्जिद के नज़दीक ये लोग पहुँचेंगे तो प्रशासन जो है कैसे इन लोगों को जो है रोकेगा, क्योंकि अगर मस्जिद को ये लोग नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, बहुत बड़ा इशू जो है वो बन जाएगा। तो मस्जिद जिसको लेकर विवाद है, आरोप है कि मस्जिद जो है अवैध बनी है, इलीगल बनी है, हालांकि मामला अदालत में है, म्युनिसिपल कमिश्नर की कोर्ट में है, वहां 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी इस मसले पर उससे पहले ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं ये यहाँ पे शिमला में आज सुंजौली चलो की इनकी कॉल थी, और सुंजौली चलो की इस कॉल पे जो है दरअसल जो शिमला का जो हिस्सा है जहाँ से कुफरी, ठियोग और तमाम जो शिमला का ऊपरी हिस्सा जो है उसको कनेक्ट करते हैं, वहाँ से ये लोग जो हैं आए हैं, क्योंकि जो हिमाचल का दूसरा हिस्सा है जिसको प्लेन्स कहते हैं कमोबश जो हैं, जिनमें बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उस तरफ भी पुलिस के इंतज़ाम थे और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। तो उस तरफ इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन जो है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हो पाई है, कुछ एक लोग जो हैं उनको रोका गया है बालूगंज की तरफ। तो शिमला में मोबिलाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ढली टनल के दूसरी तरफ जो है हो गई थी, और इसको चेक करना जो है पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज जो है नज़र आ रहा है फिलहाल, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब सवाल यही है कि मस्जिद की तरफ अगर ये लोग जाते हैं तो पुलिस उसको कैसे बचाएगी, क्योंकि अगर मस्जिद को नुकसान पहुंचता है तो हिमाचल सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल ये तमाम जो बाज़ार है उसमें से ये कार्यकर्ता जो हैं गुजर रहे हैं, संजौली के ये बाज़ार हैं जिनमें से कार्यकर्ता गुजर रहे हैं। कुछ दूरी पर जो है यहाँ पर मस्जिद है, और मस्जिद तक पहुंचने से रोकना जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है प्रशासन के लिए बन गया है। फिलहाल ये कार्यकर्ता जो हैं पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं, पैदल ही जो हैं ये कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं संजौली के तमाम बाज़ार जो हैं उनको क्रॉस करते हुए। फिलहाल पुलिस जो है फिलहाल पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये बता दें कि पुलिस ने सिर्फ बैरिकेड जो हैं उनके ज़रिए जो है कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की है, और बल का प्रयोग जो है पुलिस ने नहीं किया है, और बैरिकेड जो हैं इन कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए हैं क्योंकि पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया है। तो अब ये कार्यकर्ता जो हैं मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या पुलिस जो है इन लोगों को मस्जिद की तरफ जाने से रोक पाएगी या नहीं, क्योंकि मस्जिद को अगर नुकसान होता है तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है सरकार की काबिलियत पे भी खड़ा हो जाएगा कि सरकार ने समय रहते जो है इसमें टाइमली एक्शन जो है इस तरीके के हालात से निपटने के लिए क्यों नहीं लिया। तो फिलहाल तमाम कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, और सवाल यही है कुछ दूरी पर यहाँ से जो है मस्जिद है, और उस मस्जिद को सरकार जो है क्योंकि कानून जो है कानून के तरीके से जो है तमाम लोग कह रहे हैं कि कानून के तरीके से काम होना चाहिए, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो तमाम लोग जो है कानून की जो है बात करते हैं। पर सवाल है कि क्या आज जो है प्रशासन जो है यहाँ इस मस्जिद को जो है वो बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जो है मस्जिद की तरफ जो है कूच कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या जो है प्रशासन जो है बचा पाएगा मस्जिद को या नहीं, क्योंकि ये लोग इन लोगों की मांग जो है साफ़ है कि मस्जिद को डेमोलिश किया जाए। सरकार चाहे सरकार है चाहे विपक्ष है, दोनों का यही कहना है कि कानून के तरीके से जो है काम होना चाहिए। तो अगर कानून के तरीके से काम होगा तो अदालत में ये सारा मसला है, तो अदालत के ज़रिए ही जो है ये तमाम मसला जो है निपटा जाना चाहिए, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों बात कर रहे हैं। पर अब सवाल है कि अगर ये कार्यकर्ता जो है मस्जिद की तरफ पहुँचते हैं तो
सरकार कैसे जो है निपटेगी इन लोगों से, कैसे जो है तमाम सिचुएशन को जो है कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये अगर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो सरकार के फंक्शनिंग के ऊपर जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो जाएगा। सिर्फ सवालिया निशान ही नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा दाग भी होगा असल में प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल भी जुड़ गए हैं, संजौली से इस समय हमारे साथ मौजूद है। अंकुश, ये तो बैरिकेड यहाँ संजौली के बाजार में जो लगाए गए थे पुलिस की तरफ से, उनको भी हटा दिया है अपने रास्ते से इन प्रदर्शनकारियों ने, जरा तस्वीरें बयान कीजिए। लाठीचार्ज यहाँ पर, हल्का लाठीचार्ज भी होता हुआ नजर आ रहा है, प्रतिरोध की शुरुआत यहाँ पर। जी जी जी, सुबह से ही धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई थी और सबसे पहली जो बैरिकेडिंग थी वो धनी टनल के पास थी और प्रदर्शनकारियों ने पहले इंतजार किया अपने सभी साथियों के आने का और जैसे ही सभी साथी लौटते हैं मौके पर तो उससे तुरंत बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। और अभी तुरंत एक अपडेट है, यहाँ पर पानी की बौछारें की जा रही है और यहाँ पर अब लाठीचार्ज की सिचुएशन यहाँ पर आ गई है और पुलिस ने अब आगे की तरफ बढ़ने का मन बना लिया है। प्रदर्शनकारियों को ठीक उल्टी दिशा में यहाँ से बताया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों पर जोरदार लाठीचार्ज यहाँ पर हो रहा है और लाठी मार कर बताया जा रहा है, लाठी डंडे मारे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं यहाँ पर लाठी डंडे। और यहाँ पर अब जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर तरीके से घायल हो रहे हैं, पुलिस बुला रही है, यहाँ पर सारा 163 लागू थी और उसी की वजह से यहाँ पर अब लाठीचार्ज की स्थिति यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनकारी है, एक प्रदर्शनकारी को मैं बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ जो पूरी तरीके से घायल हो गया है और उस प्रदर्शनकारी को यहाँ पर तमाम लोग हैं वो अब यहाँ पर उपचार देने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के जवान यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाइए क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, ऐसे में आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर यहाँ पर जो वो रोक लगाई गई है लेकिन यहाँ पर लाठी मार करने दिखवाया गया है। वर्तमान यहाँ अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, पार्टी के जवान तैनात है और उन्होंने भी लाठीचार्ज किया है और यहाँ से फिलहाल तस्वीर को चित्र चित्र किया है। अब आने वाले वक्त में देखने वाली तस्वीरें ये होंगी कि क्या वापस प्रदर्शनकारी आएंगे या फिर नहीं, चूंकि बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज के बाद यहाँ पर लोगों को चित्र चित्र किया है। जी तो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से संजौली तक पहुंच ही चुके थे ये प्रदर्शनकारी और यहाँ पर पुलिस की बड़ी तैनाती और पुलिस की तरफ से अब बल का प्रयोग इन प्रदर्शनकारियों पर किया गया है। इससे पहले ढली टनल, वहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए थे लेकिन वो ढली टनल पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको इन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। दंगनाते हुए प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते रहे, वो भी तब जबकि इलाके में धारा 163 लागू है और इसके बाद जब संजौली पहुंचने के बाद वहां जो दूसरी लेयर बैरिकेड्स की थी उसको भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़ दिया गया, फिर पुलिस की तरफ से यहां पर बल प्रयोग किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से ये 3 बैरिकेड्स लगे थे, एक बैरिकेड कैसे प्रदर्शनकारी लेकर जा रहे हैं और उसके बाद ये पुलिस वाला भी एक घायल हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है तो किस तरीके से पुलिस वाला, उसके सिर पर शायद चोट लगी है, अपना सिर पकड़े हुए जा रहा है, तस्वीरों में हमने अभी आपको दिखाया। और ये देखिए वहां पर अब वाटर कैरन्स का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है, पुलिस बल प्रयोग करती हुई, पुलिस कर्मियों के हाथ में लाठियां हैं और ये लाठियां भांजी जा रही हैं। ये तस्वीरें इस समय शिमला जिले के संजौली की आपके सामने है जहां संजौली तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। मामला कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट को इस मामले को 5 अक्टूबर को फिर से सुनवाई के लिए लेना है और उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों का ये हंगामा, धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे थे, लगातार आगे बढ़ते रहे। पहले ढली टनल के सामने जो बैरिकेड लगाया था उसको तोड़कर ढली टनल पार करके संजौली तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी और वहां पर पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को अब खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको सीधे सुनाती हूँ जो क्या हमारी मजबूरी आगे तो जाना ही है ना, कि तो लाठीचार्ज क्यों किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उस समय की तस्वीर जिस समय बल प्रयोग हो रहा था और देखिए किस तरीके से अब लोग जो हैं वो वापस पलट कर लौटते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। अब वापस उल्टी दिशा में, मतलब संजौली से वापस दूसरी तरफ लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ खदेड़ दिया।
आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति यहां पर बन गई थी राज्य सरकार के लिए, क्योंकि मामला देखिए अदालत में है और ऐसे में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ से यही कहा जा रहा था कि कानून के दायरे में रहकर ही इस मामले में कोई फैसला होना चाहिए और प्रदर्शन शांतिपूर्ण आप कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन धारा 163 इस इलाके में लागू थी। बावजूद उसके ये प्रदर्शनकारियों का हुजूम, जिसने पहले ढली टर्मी के सामने लगे बैरिकेड्स तोड़े, उसके बाद ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, फिर संजौली तक पहुंचकर संजौली में जो मेन मार्केट वाला इलाका है वहां पर जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसको भी तोड़ने का काम इन्होंने शुरू किया और फिर पुलिस की तरफ से ये बल प्रयोग। अभी स्थिति क्या है संजौली में, जहां तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे क्या वहां से इन्हें पीछे खदेड़ दिया गया है, जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन। जी जी, वहाँ अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं सामने तस्वीरें, हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक बारी पुलिस ने खदेड़ दिया था, लाठियां भांजी गई उनके ऊपर, पर अब ये दोबारा जो है आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बारी जो है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं जब ढली टनल के ऊपर बैरिकेड लगे थे उनको तोड़ने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि वहाँ पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया था, पर यहाँ क्योंकि ये बिल्कुल मस्जिद के नज़दीक है और अगर ये कार्यकर्ता मस्जिद तक पहुँच जाते तो बहुत बड़ा धब्बा जो है सरकार के ऊपर लगता, सरकार की फंक्शनिंग के ऊपर लगता, तो सरकार ने यहाँ बल प्रयोग किया और इन तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया है। अब ये दीवार आपको नजर आ रही है, एक तरफ पुलिस के जवान हैं और दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं, तो ये दीवार जो है ये दीवार अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को अगर आगे बढ़ना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। बता दें इसके आगे भी तमाम प्रबंध हैं पुलिस के, एंटी राइड गियर में तमाम पुलिस है, वाटर कैनन्स हैं, लाठियां हैं और टियर गैस भी लेके चली है पुलिस जो है, तो पूरे एंटी राइड गियर में पुलिस है। हालांकि अभी तक जो है लाठीचार्ज हुआ है इन कार्यकर्ताओं पर, इन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस जो है अब एक दीवार बना के खड़ी हो गई है, दीवार बनाई गई है पुलिस की तरफ से ताकि ये कार्यकर्ता जो है आगे ना बढ़ पाए। तो प्रशासन एक बारी जो है इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने में कामयाब रहा है, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, पर ये कार्यकर्ता रह रहे के फिर वापस आ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो इन लोगों को समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है पुलिस के अधिकारियों द्वारा कि आगे ना बढ़ें क्योंकि मस्जिद नज़दीक है और मस्जिद को बचाना जो है वो भी प्रशासन के लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर मस्जिद तक ये लोग पहुंचते हैं तो प्रशासन की जो फंक्शनिंग है, जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल जो है उठेगा, और अगर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा दाग जो है इस सरकार के ऊपर जो है लगेगा, धब्बा जो है लगेगा। तो फिलहाल प्रशासन जो है कामयाब रहा है इन कार्यकर्ताओं को यही इसी जगह पे सीमित रखने के लिए, इसी जगह पर जो है कंटेन करने के लिए। अब कार्यकर्ता जो हैं हिंदू संगठनों के आप अगर पीछे तक देखेंगे तो ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं नज़र आते हैं कि पूरी की पूरी ये सड़क जो है संजौली चौक से लेके ढाली टनल तक ये सड़क जो है पूरी तरह से भरी हुई है इन प्रदर्शनकारियों से, बिल्कुल तंग सी ये सड़क है और ये सड़क जो है पूरी तरह प्रदर्शनकारियों से भरी हुई है। प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ पर अब भी जो हैं उसी जगह पे खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस जो है उन्हें आगे जाने दे, पर पुलिस जो है, पुलिस के कमांडोज जो हैं वो दीवार बन के जो हैं खड़े हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को। तो प्रशासन ने, सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को जो है एक बार जो है कंट्रोल में। आपके पास लौटूंगी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद है। जयराम सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो तस्वीरें आ रही है सर ढली टनल से लेकर ये संजौली चौक तक जिस तरीके का प्रदर्शन और पुलिस का ये बल प्रयोग, ये नौबत क्यों आई? देखिए, ये जो घटना घटित हुई है इस सारी घटना को शुरू से ही गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए था, और हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है, कभी इस प्रकार का तनाव, इस तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश में पहले देखने को नहीं मिला है जी। और जिस तरह से सरकार दबाने की कोशिश कर रही जनभावनाओं को, ये उचित नहीं है। हमने कहा कि लोगों को
आप समझाने का प्रयत्न करिए उनको, उनके कुछ लोगों को अगर बुलाने की आवश्यकता है तो बुला करके भी बात कर लीजिए, लेकिन इस तरह से आवश्यकता महसूस नहीं की गई और सीधा इस प्रकार से लाठीचार्ज करना, सीधा दबाने का प्रयत्न करना ये उचित नहीं है और जिसके कारण जनभावनाओं को आप तो नहीं रोक पाएंगे और इस तरह से हालात मुझे लगता है कि ये अच्छे दिशा में नहीं जा रहे। सर आपके हिसाब से बेहतर तरीका क्या हो सकता था इन हालात को हैंडल करने का? देखिए विधानसभा के अंदर कांग्रेस के मंत्री बयान देते हैं कि गलत तरीके से अवैध निर्माण है और इसको तोड़ना चाहिए, मंत्री ने ही मांग की और उसके साथ साथ में फिर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई जब नहीं हुई, कार्रवाई के मामले को लेकर के कहा कि इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हुई है, हजारों जगह हुई है, तो मैंने कहा है हजारों की गिनती में इसको नहीं डालना चाहिए, ये जनभावना से जुड़ा हुआ मामला है और इसको अलग से डील करना चाहिए और तुरंत इसका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मामला सर अदालत में भी है, रेवेन्यू कोर्ट जो इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगा, तो आपको क्या लगता है उस पर जैसे क्या सरकार के यहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं? सरकार की तरफ से कई बार ये आभास दिया जाता है, सरकार सारी सिचुएशन को ठीक प्रकार से हैंडल नहीं कर पा रही है और ना करने की इच्छा जाहिर कर रही है और ऐसे भी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के जो बयान बार बार आए उससे भी लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, इन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद तो अभी तक वो स्थिति नहीं आई है और अभी तो ये है कानून व्यवस्था को किस तरह से मेंटेन करना, यही एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है जिसके लिए सरकार को गंभीरता से प्रयत्न करने चाहिए। सर आप इसको जनभावना से जोड़ रहे हैं लेकिन कई कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं कि साहब ये सब कुछ जो है वो प्रदर्शनकारी, दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता और ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है सरकार के खिलाफ। बीजेपी का कोई नेता उसमें नहीं है और किसी संगठन का भी कोई नेता नहीं है, ना संगठन पार्टी का कोई बैनर है, ना कोई किसी संगठन का बैनर है। हमने पहले भी कहा कि जनभावनाओं को आप नहीं रोक पाएंगे और जनभावनाओं को रोकने का प्रयत्न करेंगे तो उस तरह से मुझे लगता है कि फिर बहुत बड़ी कठिनाई किसी सामने आएगी जिसके कारण जो है वो कानून व्यवस्था की जो हालात बन रहे हैं ये हमारे लिए सबके लिए खतरनाक। बिल्कुल सर, मामला बड़ा दोधारी तलवार जैसा बन गया है, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं एक तरफ वो जनभावनाएं हैं और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, संविधान के अनुरूप यहाँ पर कार्रवाई करना, ऐसे में आपकी तरफ से क्या अपील की जाएगी सर? मैं तो यही कहूँगा प्रदर्शन शांतिप्रिय ढंग से हो लेकिन उसके बावजूद सरकार गंभीरता से सारे विषय को ले, तुरंत इस दिशा में कार्रवाई करने की आवश्यकता जो है वो कार्रवाई करे। सर एक सवाल और है मेरे मन में, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जनभावनाएं, आप कह रहे हैं अभी तक इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी का झंडा, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी इस आंदोलन के साथ खड़ी होगी, इन कार्यकर्ताओं के साथ, हिंदू संगठन के? लेकिन हम एक ही बात कह रहे हैं कि जो जनभावना है उनका सम्मान होना चाहिए और इस तरह से दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिस तरह से सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यही है, मेरा जितने भी प्रदर्शनकारी है उनसे मेरा इसी बात से लेकर के है कि आप शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखें और इसके अलावा जहां बात करने की आवश्यकता होगी अगर आवश्यक लगेगा, हम सब लोगों को भी लगेगा, तो हम सब लोग भी उसमें बात करके जहां मुख्यमंत्री या सरकार से बात करने की आवश्यकता होगी, राज्यपाल के यहां जाकर के बात करने की बात होगी, जहां भी बात करने की होगी उससे अपनी बात करेंगे। बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी एबीपी न्यूज से अपनी बात रखने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में नेता विपक्ष, आप सुन रहे थे उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से जो बन पड़ेगा वो बीजेपी करेगी इसके समाधान के लिए। मामला जो है वो वाकई में बड़ा चुनौतीपूर्ण है, एक तरफ जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और दूसरी तरफ जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान की कसौटी है उसके हिसाब से ही कोई भी फैसला लिया जाना है, लेकिन जयराम ठाकुर की तरफ से सीधे कटघरे में हिमाचल की कांग्रेस सरकार को खड़ा किया गया ये कहते हुए कि कांग्रेस सरकार ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, भरोसे में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था, प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए थी, इस तरीके की पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई और जो हुआ ये जिस तरीके का बल प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जयराम ठाकुर की तरफ से एबीपी न्यूज के माध्यम से तमाम बातें रखी गई हैं देश के सामने। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार लगातार बने हुए हैं, जरा जानते हैं सचिन से अभी ग्राउंड पर क्या हालात है। सचिन
जी रोमाना, अभी स्थिति जो है नियंत्रण में है, क्योंकि पुलिस जो है दीवार बन के खड़ी है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच और सुंजौली को जाने वाले इस मार्ग के बीच। तो ये देख सकते हैं आप जो हैं, ये कार्यकर्ता जो हैं पुलिस से बहस कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस जो है दीवार बन के इन लोगों के बीच खड़ी है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उससे आगे वाटर कैनन जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, तो अगर ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए आप, अब वाटर कैनन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये आप देखिए वाटर कैनन जो है अब इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि ये एक बार फिर से कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है हिमाचल पुलिस द्वारा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ संजौली के इस तंग से बाजार में ये बवाल जो हो रहा है, मस्जिद के नाम पे जो है, मस्जिद को जिसको आरोप है कि अवैध बनाई गई है, मामला अदालत में है, तो अब वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है इन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हो रहा है हिमाचल पुलिस के द्वारा। ये आप देख सकते हैं पत्थरबाजी भी हो रही है, पत्थरबाजी भी जो है की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं इन कार्यकर्ताओं द्वारा। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है, सचिन हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले पुलिस की तरफ से यहां पर बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी उसके बाद फिर से यहां डटना शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी नहीं है और अब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर कैनन्स पहले से ही यहाँ संजौली चौक पर तैनात कर दी गई थी, पुलिस का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगा था और देखिए कैसे प्रदर्शनकारी जो हैं वो बाकायदा छातों के साथ पानी की बौछार से खुद को बचाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ सचिन लगातार बने हुए हैं। जी सचिन, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में पानी की बौछार, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी वहीं डटे हुए हैं। सचिन मेरी आवाज मिल रही है? तो जी जी मुझे मिल रही है आपकी आवाज। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं संजौली बाजार की जो है, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है यहाँ पे पुलिस कर रही है और कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है सिचुएशन को। छतरियाँ जो हैं वो भी कार्यकर्ता जो है हिंदू संगठनों के लेकर आए हैं, इस वाटर कैनन से बचने की कोशिश की जा रही है जो ये कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, पर पुलिस की तरफ से भी तमाम प्रबंध हैं, पूरे एंटी राइट गियर में ये पुलिस है। अब आप देख सकते हैं पुलिस जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पुलिस आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अगर ये कार्यकर्ता ऐसे ही बवाल करते हैं तो एक बार फिर से जो है स्थिति जो है ख़राब हो सकती है। तो फिलहाल ये कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे एक जो पुलिस का जो बैरिकेड था उसी को लेके ये कार्यकर्ता आ गए हैं, पुलिस का जो बैरिकेड था उसी को लेके ये कार्यकर्ता आ गए हैं ताकि पुलिस का जो वाटर कैनन है उससे बचा जाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो है ये सिंबल जो है बना है यहाँ पे इस बैरिकेड के ऊपर, आप देख सकते हैं, पर कार्यकर्ता इसी वाटर कैनन के बचने के लिए इसी बैरिकेड की जो है वो ढाल बना रहे हैं, इसी बैरिकेड को ढाल बना रहे हैं। तो बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पुलिस जो है, पुलिस के कमांडोज जो हैं जो एंटी राइट गियर में हैं वो जो हैं अब इस जो बैरिकेड है उसको लेने की, छीनने की कोशिश कर रहे हैं इन कार्यकर्ताओं से जो है। ये कार्यकर्ता इस बैरिकेड की ढाल बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो है मस्जिद से महज कुछ मीटर दूर जो है बनी है, क्योंकि आगे कुछ ही दूरी पे मस्जिद है, तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन कार्यकर्ताओं को इससे आगे बढ़ने से रोका जाए। कार्यकर्ता जो हैं एक बार जाते हैं फिर आ जाते हैं, वो सामने आप देखिए एक बार फिर से जो है वहाँ कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस जो है पुलिस से जो है ये कार्यकर्ता उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश जो है पुलिस जो है कर रही है इन कार्यकर्ताओं को
नियंत्रण में करने की, पर ये कार्यकर्ता बार बार रह कर जो है कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो ये स्थिति है, ये तनाव की स्थिति संजौली के इस तंग से बाजार में है। क्वीन ऑफ हिल शिमला, जिसे पर्वतों की रानी कहा जाता है, उस पर्वतों की रानी में जो है इस तरीके का बवाल जो है बहुत कम देखने को मिलता है, पर आज ये बवाल हो रहा है क्योंकि मस्जिद के ऊपर आरोप है कि मस्जिद जो है अवैध बनाई गई है। मामला अदालत में है, 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 45 हियरिंग्स जो हैं, 45 सुनवाइयाँ जो हैं इस मस्जिद के मामले में इन 14 सालों में हो चुकी हैं। तो इन कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा है कि 14 साल सुनवाई को हो गए हैं पर अभी तक जो है कुछ भी जो है इसमें नतीजा नहीं निकला है, तो कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि मामला अदालत में है और अदालत जो है निर्णय जो निर्णय देगी वो जो है मान्य होगा। मुस्लिम पक्ष जो है वो भी यही कह रहा है कि मामला अदालत में है, अदालत जो निर्णय देगी उनको मंजूर होगा। वक्फ बोर्ड ने भी यही कहा है, वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर जो हैं वो कहते हैं कि मामला अदालत में है। उन्होंने दावा किया है कि जिस ज़मीन पे ये मस्जिद बनी है वो वक्फ बोर्ड की है, पर मुद्दा जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, जो निर्माण हुआ है, जो जिस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि अवैध निर्माण हुआ है। तो ये अदालत तय करेगी कि मस्जिद अवैध है या निर्माण जो है वो अवैध हुआ है। तो मुस्लिम पक्ष जो है, मस्जिद का पक्ष जो है वो कह रहे हैं कि हम अदालत का आदेश मानने के लिए तैयार हैं, जो भी निर्णय अदालत देगी। सरकार भी कह रही है कि अदालत का आदेश जो है वो माना जाएगा, अदालत में है क्योंकि मामला। विपक्ष भी यही कह रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है कि अदालत में मामला है और प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, मामला अदालत में है और इसको जो है सुलझाया जाना चाहिए। पर यहाँ पे ये संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं मस्जिद की तरफ चार्ज करना चाहते थे, जाना चाहते थे, और यहाँ पे पुलिस ने इन लोगों को खदेड़ दिया है। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया है इन लोगों के ऊपर, लाठी जो है चलाई गई है। अब इन लोगों को कंट्रोल में कर लिया गया है, नियंत्रण में कर लिया गया है। पुलिस जो है दीवार बन के खड़ी हो गई है उस मस्जिद को जाने वाले रास्ते और ये जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं उन लोगों के बीच। तो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता लगातार जो हैं पुलिस से आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, रह के कोशिश भी करते हैं कि वो आगे बढ़ें जो है मस्जिद की तरफ, जिस तरफ मस्जिद को रास्ता जाता है उस तरफ जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश करें। पर पुलिस जो है क्योंकि एक दीवार बन के खड़ी है, पुलिस के कमांडोज जो हैं दीवार बन के खड़े हैं, तो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है सरकार के लिए भी, हिमाचल प्रशासन के लिए भी और चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू के लिए भी, कि इस तमाम मसले को जो है एमिकेबली जो है कैसे सॉल्यूशन जो है इसका निकाला जाए, कैसे इसका हल जो है बिना किसी इस तरह की परिस्थिति पैदा किए जो है वो निकाला जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये हिमाचल सरकार के लिए है। पर फिलहाल आज क्योंकि 11 तारीख को हिंदू संगठनों की कॉल थी संजौली में इकट्ठा होने की, तमाम प्रबंध किए गए थे पुलिस की तरफ से। जो हिमाचल के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको लोअर हिमाचल में जो पड़ते हैं, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, वहाँ से जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रहे थे उनको जो है बीच रास्ते में रोक लिया गया, कुछ को डिटेन भी किया गया है पुलिस की तरफ से। असली बवाल जो है ये हुआ है शिमला का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ठियोग, कसुमपटी, ठियोग और ये रामपुर और ऊपर का जो हिस्सा है, जो असल में जो शिमला का जो रूरल एरिया है जिसको कनेक्ट करता है शिमला शहर से, तो वहाँ से ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं शिमला ज़िले से आए हैं और ये जो है मस्जिद की तरफ चार्ज करना चाह रहे थे। तो इन लोगों को जो है कंट्रोल में जो है फिलहाल जो है स्थिति को नियंत्रण में जो है पुलिस ने कर लिया है, पर ये कार्यकर्ता जो हैं अब भी डटे हुए हैं, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं अब भी डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे जो है मस्जिद की तरफ बढ़ा जाए। बता दें कि ढली में जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की तरफ से, वहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया था, वहाँ पर पुलिस ने कोशिश की थी कि ये मजबूत बैरिकेडिंग की गई है इसको जो है बचाया जाए और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जाए, पर उस मजबूत बैरिकेडिंग को जो है इन कार्यकर्ताओं ने जो है तोड़ दिया था और आगे बढ़ गए थे। पर मस्जिद से
मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक जो है तकरीबन 100 मीटर हम कहेंगे कि उसके नज़दीक जो है बैरिकेडिंग एक और की गई थी पुलिस की तरफ से, और उस बैरिकेडिंग पे जब ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुँचे और उन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की गई, कुछ बैरिकेड्स को तोड़ा गया, उसके बाद पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। अब इन कार्यकर्ताओं को जो है आगे बढ़ने से पुलिस ने फिलहाल रोक लिया है, इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से। तो फिलहाल हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं ये उलझ रहे हैं पुलिस से, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि आगे बढ़ने दिया जाए उनको, पर पुलिस के जवान जो हैं वो दीवार बन के खड़े हैं और इन कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, इन कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बीच में वाटर कैनन है और बता दूं कि टीयर गैस की भी पुलिस की जो है टीयर गैस साथ लेके पुलिस चली हुई है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आंसू गैस भी इस्तेमाल की जा सके। तो ये तैयारियां हैं पुलिस की जो स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए की गई हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, कार्यकर्ता जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस से उलझ रहे हैं, बहस रहे हैं, पर आगे बढ़ने की कोशिश जो है फिलहाल जो है उसमें वो कामयाब होते नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक दीवार जो है पुलिस ने जो है पुलिस के कमांडोज की जो है वो बीच में खड़ी है इन कार्यकर्ताओं और मस्जिद को जाने वाले रास्ते के बीच में। तो ये शांत सा शहर है शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, यहाँ पे इस तरीके का मंजर जो है बहुत कम देखने को मिलता है और आज जो है देखने को मिला है ये मंजर जो है इस पहाड़ी प्रदेश में, इस शांत सी पहाड़ों की रानी जो है क्वीन ऑफ हिल्स जो है वहाँ पे ये जिसे अपने ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ पे माहौल जो है गर्म है इस प्रदर्शन की वजह से। और कार्यकर्ता जो हैं लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, हिंदू संगठनों के ये जो कार्यकर्ता हैं लगातार जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन लोगों को रोक के रखना ताकि ये लोग मस्जिद की तरफ ना जा पाए, क्योंकि इससे आगे जो मस्जिद नज़दीक है और अगर ये मस्जिद तक पहुंच जाते हैं तो प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा, और मस्जिद को अगर नुकसान पहुंचाने में ये कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक जो है वो सरकार के लिए होगा कि मामला अदालत में है, सरकार के तमाम दावों के बावजूद कि मामला अदालत में है, शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन किया जाए, पर मस्जिद जो है एक बार आप फिर से देखेंगे ये पुलिस के कमांडोज जो हैं, पुलिस बल जो है एक बार फिर से इनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे बने हुए हैं, पुलिस से उलझ रहे हैं, पर पुलिस जो है लगातार इनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि पुलिस के जो जवान हैं वो दीवार बन के जो हैं खड़े हैं इन प्रदर्शनकारियों और मस्जिद को जाने वाले रास्ते के बीच में, पर ये कार्यकर्ता जो हैं ये पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, ये कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है लगातार इनको कोशिश कर रही है रोकने की। तो ये स्थिति है यहाँ पे इस तरीके से जो है बनी हुई है, जिसको पुलिस फिलहाल जो है नियंत्रण में रखने में कामयाब रही है, मस्जिद की तरफ चार्ज करने से जो है इनको रोक के रखा है पुलिस ने क्योंकि मस्जिद जो है नज़दीक है, इसलिए पुलिस ने जो है बल प्रयोग जो है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर किया है, लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। हिमाचल प्रदेश में इस तरीके के जो मुद्दे हैं, खासकर धार्मिक मुद्दे जो हैं, ये बहुत कम जो हैं देखने को मिलते हैं, और धार्मिक मुद्दों पे इस तरह का तनाव जो है हिमाचल में बहुत कम देखने को मिलता है। आप लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। जरा सा दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा दें, देखिए वो जो प्रदर्शनकारी हैं, अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो प्रदर्शनकारी उनको कुछ नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, और क्या यहां पर कुछ मध्यस्थता की कोशिश होती हुई नजर आ रही है क्या, इसको लेकर अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि ये तो एक तरीके से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है ना, कि एक तरफ जो पुलिस है वो, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी, और यहाँ पर ये कोई प्रदर्शनकारियों के बीच से ही कोई नजर आ रहे हैं जो हाथ से इशारा कर रहे हैं, शायद प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर शांत हो जाइए, या उन्हें बैठने का इशारा कर रहे हैं, कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी धरने की तैयारी में है, कुछ इस तरीके की जानकारी मिल रही है क्या?
और क्या कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा जो यहाँ पर आकर इन प्रदर्शनकारियों से बात कर इस मामले को फिलहाल सुलझाने की कोई कोशिश करेगा, इस तरह की कोई खबर अगर मिल रही हो सचिन ग्राउंड से? जी देखिए, इन प्रदर्शनकारियों के कुछ एक नेता हैं, उनसे पुलिस बात कर रही है। जब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान भी प्रदर्शनकारियों के कुछ नेताओं से पुलिस के जो अधिकारी थे वो बात कर रहे थे उनको रोकने की। यही वजह है कि जब प्रदर्शनकारी मार्च करना शुरू किए थे तो तकरीबन 3 जगह हॉल्ट करके रुके थे, ये 3 जगह बैठ गए थे, प्रदर्शन वहाँ पे किया था, फिर उसके बाद जो है ये लोग आगे बढ़े थे। तो प्रदर्शनकारियों के जो नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लगातार जो है कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रदर्शनकारियों के नेता हैं वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको समझा रहे हैं कि थोड़ा आप शांत हो जाएं, थोड़ा हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के साथ, इशारे जो कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारियों के नेता जो हैं। तो बातचीत ज़रूर जो है हो रही है प्रशासन के साथ जो है, पुलिस के अधिकारियों के साथ जो है, ताकि ये जो स्टेलमेट यहाँ पे बना हुआ है, ये जो डेडलॉक यहाँ पे बना हुआ है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में, इसको सुलझाया जाए और प्रदर्शन जो है इसको जो है डिफ्यूज़ किया जाए, स्थिति को जो है शांत किया जाए। तब देखना ही है कि प्रशासन जो है कितना समझा पाता है इन प्रदर्शनकारियों को। अब दोबारा बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस की तरफ से, आप देख सकते हैं ये बैरिकेड हटा दिए थे प्रदर्शनकारियों ने, पर अब दोबारा पुलिस ने जो है बैरिकेड जो हैं यहाँ लगा दिए हैं ताकि जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ। तो ये तैयारी जो है अब लाउडस्पीकर से जो है अनाउंसमेंट जो है की जाएगी। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी जो हैं ये लाउडस्पीकर लेके आए हैं इन कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए, क्योंकि सेक्शन 163 जो है वो इम्पोज्ड है यहाँ पे संजौली चौक के सराउंडिंग में जो है, धारा 163 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिति की जो है, और उसके तहत जो है पाँच से ज़्यादा लोगों पे इकट्ठा होने पे जो है वो मना किया गया है प्रशासन की तरफ से। किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन जो है उस पर जो है बैन जो है लगाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये हिंदू संगठन का कार्यकर्ता है, हम पीछे से देख रहे थे, ये साथ थे जो प्रदर्शनकारी हैं उनके, अब ये आगे जाने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने जो है इनको पीछे धकेल दिया है। तो पुलिस इंश्योर कर रही है, इस बात को मुकम्मल कर रही है कि जो ये कार्यकर्ता हैं ये मस्जिद की तरफ ना बढ़ पाएँ, कोई भी कार्यकर्ता जो है मस्जिद की तरफ ना बढ़ पाए।